वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 बीसीए 042 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिजाइन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, ऑल्सो शो इंटरमीडिएट स्टेप्स। और आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसको आपको सॉर्ट करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, ऑल्सो शो इंटरमीडिएट स्टेप्स, है ना। आपको इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हुए इन एलिमेंट को सॉर्ट करना है और जो इंटरमीडिएट स्टेप्स आप यूज कर रहे हैं उनको भी आपको शो करना है। तो जो आपको एलिमेंट्स दिए गए थे वो थे आपके 28, 6, 29, 90, 5, 42 एंड 80। इन एलिमेंट्स को आपको सॉर्ट करना है, लेकिन आपको मेथड कौन सा यूज करना है, इंसर्शन सॉर्ट। तो पहले तो हम लोग इसकी स्टेप्स देखेंगे कि कैसे इसको सॉर्ट किया जाएगा, फिर उस पर प्रोग्राम देखेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रोसेस और कोड दोनों समझ में आ जाए। कभी कभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लेता है ना, तो आपको कोड भी पता होना चाहिए। तो ये आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, है ना। अब इनको आपको सॉर्ट करना है। तो देखिए हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसेस ये है कि हमें एलिमेंट्स को अपनी सही पोजीशन पर इंसर्ट करना है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 28 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, है ना, फिर 29 आ गया, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कहीं पे भी बैठा हुआ है ना। तो उसको हमें प्रॉपर वे में बैठाना है। सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो ये हमें प्रोसेस करनी है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हुए। तो हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। फिर इसी तरीके से थर्ड वाले एलिमेंट को उठाएंगे और उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे कंपेयर कराएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ वाले एलिमेंट को उठाएंगे और उससे पहले वाले सारे एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे। फिर फिफ्थ वाले एलिमेंट को उठाएंगे और उससे पहले के सारे एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे, है ना। फिर सिक्स्थ वाले एलिमेंट उठाएंगे, उससे पहले के सारे एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे। फिर सेवन्थ वाला एलिमेंट उठाएंगे और उससे पहले वाले सारे एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे, है ना। और जहां पर उसकी पोजीशन आ जाएगी वहां पर उसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर आपका कंपैरिजन और शिफ्टिंग, कंपैरिजन शिफ्टिंग, यही प्रोसेस चलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, है ना। तो ये आपका जीरो एलिमेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ और ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा, है ना। और ये सपोज मान लेते हैं हम एक एरे है ए नाम की, है ना। तो ए जीरो पर आपका 28 है, ए वन पे 6 है, ए टू पे 29 है, ए थ्री पे 90 है, ए फोर पर 5 है, ए फाइव पर 42 है और ए सिक्स पर 80 है, है ना। टोटल एलिमेंट 7 है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है, है ना, उसको जीरो एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। और अगर जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा तो शिफ्टिंग होगी, है ना, जैसा कि इस केस में है। तो अगर हम 6 को इससे कंपेयर कराएं, ठीक है, तो क्या है, 6 इज लेस देन 28, तो यानी कि 28 को 6 की पोजीशन पर शिफ्ट होना होगा। तो हमारा एलिमेंट क्या बन जाएगा, 28 अभी यहां पर रहेगा, ठीक है, और 28 इसकी पोजीशन पे भी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन पर 6 को लाया जा सकता है, यहां से 6 को आने दो, है ना। फिर इसी तरीके से अब जब 29 उठाएंगे तो 29 सपोज इस पोजीशन पर आके बैठ गया, ठीक है। अब क्या 29 अपनी सही पोजीशन पर है, तो देखिए 29 को 28 से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो 28 तो छोटा है ना, और उससे पहले वाले एलिमेंट तो छोटे होंगे ही होंगे, क्योंकि आप पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में कर चुके हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आप 90 उठाएंगे, है ना। तो देखिए 90 भी अपने प्रीवियस जितने भी एलिमेंट हैं सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एलिमेंट आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो 5 को 90 से जब कंपेयर कराएंगे, ठीक है, तो यानी कि 90 को 5 की पोजीशन पर आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा प्रोसेस, 90 यहाँ पर आ जाएगा और टेम्परेरी 90 यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ पर इससे कंपेयर कराया जाएगा, है ना। तो जब इससे कंपेयर कराएंगे तो देखिए 29 भी 5 से बड़ा है, तो यानी कि यहां पर भी शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो अब यहां पर 29 यहां पर भी रहेगा और 29 यहां पर आ जाएगा शिफ्ट होके, ठीक है। अब 5 को यहां पर कंपेयर कराएंगे 28 से,
तो देखिए 28 भी 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 28 यहाँ पर भी आ जाएगा और 28 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 को कंपेयर कराएंगे 5 से, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि 6 इसकी जगह भी आ जाएगा और 6 इसकी जगह भी आ जाएगा, यानी कि ये अब सही पोजीशन आ गई है ना, जहाँ पर 5 को आना चाहिए, अब 5 इसकी जगह ले लेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो एलिमेंट आपके कैसे अरेंज हो जाएंगे, 5, 6, 28, 29 और 90, है ना। अब आप एलिमेंट उठाएंगे 42 को, तो टेम्परेरी आप 42 को यहां पर रख लेंगे। अब 42 को 90 से कंपेरिजन कराएंगे, शिफ्टिंग होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। अब 90 इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और 90 अभी यहां पर भी रहेगा, है ना। फिर आप 42 को 29 से कंपेयर कराएंगे, क्या शिफ्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 42 को यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट एज इट इज बने रहेंगे, ठीक है, यहीं पर पास स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका 80, तो आप 80 को यहां पर रखेंगे, ठीक है। और अब 80 को 90 से कंपेयर कराएंगे, क्या शिफ्टिंग होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, यानी कि 90 क्या करेगा, 90 अब 80 की पोजीशन ले लेगा, है ना, और टेम्परेरी अभी 90 यहाँ पर भी बना रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो 42 आएगा, तो क्या 42 की शिफ्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी कि 80 की सही पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड लास्ट, है ना। तो आपके एलिमेंट कैसे सॉल्ट हो जाएंगे, आपके एलिमेंट आ जाएंगे 5, 6, 28, 29, 42, 80 एंड 90, ये अपनी प्रॉपर प्लेस पर अरेंज हो गए, है ना। तो ये आपको प्रोसेस लगाना है। अब इसका कोड समझ लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। हमने सपोज एरे को मान लिया ए नाम की, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल ले लेंगे सपोज जे नाम का, उसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे, है ना, और क्या लूप चलाएंगे, व्हाइल जे इज लेस देन 7, है ना, जब तक जे की वैल्यू लेस देन 7 होगी तब। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस यहां पर क्या होगा, जो आई की वैल्यू होगी वो यहां पर हो जानी चाहिए जे माइनस 1, ठीक है। साथ ही साथ एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्परेरी नाम का, जिसमें हम लोग ए जे पर जो एलिमेंट होगा उसको इनिशियलाइज कर लेंगे, है ना। तो यहां पर आप टेम्प नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, और आई नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहली बार टेम्प में 6 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करी गई है, और आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 0। अब हम लोग यहां पर फिर से व्हाइल लूप चलाएंगे, इनर लूप है ये आपका, वो क्या चेक करेगा, तो देखिए हमें शिफ्टिंग करानी है, लेकिन हमें रुकना कब है, देखिए हम दो कंडीशन में रुकेंगे ना, एक तो वो कि जब हमें जो एलिमेंट हमारे पास करंट में है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा हो, तो यानी कि तब हमें शिफ्टिंग नहीं करनी है, तब हमें शिफ्टिंग रोकनी है। और दूसरा केस क्या है कि अगर हमारा इंडेक्स 0 से कम हो जाता है तब भी हमें शिफ्टिंग रोकनी है, यानी कि उससे पहले एलिमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन को कंसीडर करेंगे, यानी कि व्हाइल आई इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0, ठीक है, आप ग्रेटर देन माइनस 1 भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए आई पर एलिमेंट है वो ग्रेटर देन टेम्प हो, है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे,
उस केस में आप शिफ्टिंग करेंगे, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं कि ए आई प्लस वन पर जो एलिमेंट है उस पर क्या आ जाए, ए आई वाला एलिमेंट, है ना, और आई में एक का डिक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहां केस में क्या होगा, जब आई की वैल्यू इस समय कितनी है, जीरो, है ना, और हमने कंडीशन क्या चेक कराई है, आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो हमारी कंडीशन इक्वलिटी के मारे ट्रू हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए आई इज ग्रेटर देन टेम्प, तो ए आई पर जो एलिमेंट है वो हमारा 28 है और टेम्प की वैल्यू इस समय कितनी है, 6, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए आई प्लस वन यानी कि ए वन पे हम ए जीरो का एलिमेंट इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि 28 शिफ्ट कर जाएगा 6 की पोजीशन पर, और 6 वाला तो एलिमेंट हमने टेम्प में स्टोर करा ही रखा है ना, ठीक है, और आई में माइनस माइनस हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, है ना, जो कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉल्स कर देगा। तो अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना, फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये करना होगा कि आई की वैल्यू माइनस वन हो गई, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए आई प्लस वन में, है ना, हम टेम्प को असाइन कर देंगे। ये स्टेप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जे प्लस प्लस, और ये हमारा आउटर वाइल लूप बंद हो जाएगा, ठीक है, बस इतना प्रोसेस करना होगा। तो देखिए हमारे केस में क्या होगा कि आई की वैल्यू तो माइनस वन पर क्या करेंगे, माइनस वन प्लस वन यानी कि फिर से वो जीरो हो जाएगा, तो ए जीरो पर हम टेम्प की वैल्यू असाइन कर देंगे, यानी कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए जीरो पर आ जाएगा 6 और ए वन पे 28, है ना, तो हमारे एलिमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, 6 और यहां पर आ जाएगा 28, यानी कि ये दो एलिमेंट हमारे प्रॉपर अरेंज हो गए, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे, तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, यहां पर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एलिमेंट हमारा आ जाएगा 29, है ना, और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और टेम्प में स्टोर हो जाएगा 29, ठीक है। फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आई की इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, हाँ 0 से बड़ी है, ठीक है, टेम्प है यहाँ पर, तो 20 यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, यानी कि 29 जो है वो अपनी सही पोजीशन पर है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो ए आई प्लस वन में हम फिर से टेम्प कर देंगे, यानी कि टेम्प में फिर से टेम्प कॉपी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे में जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना, तो जब जे की वैल्यू 3 हो गई, अब एलिमेंट आ गया आपका 90, ठीक है। तो अब 90 को भी देखिए, तो 90 29 से बड़ा है ना, तो यानी कि यहाँ पर भी इसके मारे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर ये लूप फिर नहीं चलेगा, इनर लूप, तो फिर से हमारी टेम्प में टेम्प कॉपी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे चार एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे। अब आता है एलिमेंट 5, यानी जब जे में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो फिफ्थ पोजिशन पर आपका एलिमेंट आ रहा है 5, अब उसको अरेंज करना है। तो देखिए कंडीशन हमारी ये वाली भी ट्रू है और कंडीशन वैल्यू शिफ्ट करें, यानी कि अब फोर्थ पोजीशन पर 90 आ जाएगा, जहां पर 5 है वहां पर 90 आ जाएगा, है ना, यानी कि आपके जो एलिमेंट कुछ इस तरीके से बन रहे थे, 6, 28, है ना, 29, 90 और 5, तो क्या होगा, 90 इस जगह पे आ जाएगा। अब 5 को इससे कंपेयर कराया जाएगा तो 5 इसकी जगह 29 आ जाएगा, फिर इसकी जगह 28 आ जाएगा, है ना, फिर इसकी जगह 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में पहुँच जाएगा इंडेक्स, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे। फिर 42 को उठाएंगे, है ना, तो 42 को उठाएंगे तो 42 90 से छोटा है, तो यानी कि यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो जाना चाहिए, और 42 को जब 29 से कंपेयर कराएंगे तो वो तो छोटा है, तो यानी कि 42 को यहीं पर आ जाना चाहिए। इस तरीके से अरेंज हो जाएगा बाकी सारे एलिमेंट। फिर आपका 80 आएगा तो 80 के साथ भी होगा, 80 90 से जब कंपेयर कराया जाएगा तब तो वो छोटा है, है ना, तो वो शिफ्टिंग करेगा, लेकिन बाकी एलिमेंट से तो बड़ा है ना, तो वो यहीं पर रुक जाएगा, यानी कि 90 42 और 90 के बीच में आ जाएगा, है ना।
फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में प्रिंट भी तो करा लें सारे एलिमेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर लूप चला लेंगे, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन सेवन, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ, परसेंट डी, ए ऑफ आई। तो ये हमारे वो सारे एलिमेंट प्रिंट करके दिखा देगा, है ना। अब इसका पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा, क्या ये आउटपुट आ भी रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश आई एन सी एल यू डी ई एस टी डी आई ओ डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, है ना। फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर void main function, फिर int int a नाम की array ले लेते हैं जिसमें element initialize कर लेते हैं, 28 comma 6 comma 29 95 42 80, ये आपके एलिमेंट्स हो गए, है ना। और फिर आई एन टी इंट आई कोमा जे, ये काउंटर वेरिएबल ले लिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पर टेम्प नाम का वेरिएबल ले लीजिए, है ना। फिर जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करा लीजिए, फिर लूप चला लीजिए वाइल जे इज लेस आर इक्वल्स टू 6 कर लीजिए या लेस देन 7 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 0 से 6 तक चलेगा। फिर टेम्प में ए ऑफ जे की वैल्यू इनिशियलाइज करा लीजिए, है ना, ये स्टेप बहुत जरूरी है। फिर आई इज इक्वल्स टू जे माइनस 1 कर लीजिए, है ना। फिर इनर लूप चला लीजिए वाइल, और कंडीशन आपकी आई इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 हो, साथ ही साथ जो ए आई पर एलिमेंट है वो ग्रेटर देन अगर टेम्प होता है, ठीक है, तो शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होगी। यानी कि ए आई प्लस 1 पर जो एलिमेंट है वो ए आई की वैल्यू को स्टोर कर ले, है ना, और आई में 1 का डिक्रीमेंट हो जाए। यही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन उसको ट्रू मिलती रहेगी, है ना, कि आई की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, साथ ही साथ ए आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन टेम्प हो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ए फाइनली, है ना, कि हमें टेम्प की वैल्यू उस पर्टिकुलर पोजिशन पर इनिशियलाइज भी तो करनी है उसकी सही पोजिशन पर, तो ए आई प्लस 1 पर हम लोग टेम्प जरूर कर लेंगे, है ना। तो वो दो केस में लूप टर्मिनेट होगा इनर वाला, एक तो जब इंडेक्स हमारा निगेटिव पहुंच जाएगा, और दूसरा जब ए आई की वैल्यू जो है वो लेस देन टेम्प होगी, है ना। तो यानी कि जब आई डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो उस केस में हमें आई इंक्रीमेंट करके उसकी सही पोजिशन पर पहुंचना होगा, है ना, जैसे निगेटिव पहुंच जाएगा तो फिर से 0 पर पोजीशन पर लाना पड़ेगा, है ना। और या तो फिर ये लूप जब चलेगा नहीं, है ना, तब भी तो आई की वैल्यू तो जे से 1 कम है ना, तो उस केस में हमें आई में इंक्रीमेंट कराना ही पड़ेगा, तभी उसकी राइट पोजीशन पर पहुंचेगा। तो ये हमारा एक ही स्टेप दोनों काम कर जाएगी, फिर जे में इंक्रीमेंट भी तो कराएंगे, है ना, ताकि लूप पूरा चल जाए। फिर जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी ये तो उसको शॉर्ट कर देगा, लेकिन अब डिस्प्ले भी तो कराएंगे, तो फिर से यहाँ पर लूप चला लेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 7, और आई प्लस प्लस कर लेंगे। फिर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेंगे, है ना, परसेंट डी स्पेस देके, है ना, और ए ऑफ आई लिख लेंगे,
और यहाँ पर गेट सी एच लगा लेंगे और यहाँ पर मेन फंक्शन बंद कर देंगे। और स्टार्टिंग में आप क्लियर स्क्रीन लगा लीजिए ताकि जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा वो क्लियर कर देगा। अब इसको सेव कर लीजिए अपनी बिन डायरेक्टरी में, है ना, सी में टर्बो सी प्लस प्लस डिस्क टर्बो सी थ्री बिन डायरेक्टरी में, है ना, जो भी आप नाम देना चाहें। इंसर्शन सॉर्ट है तो इंसर्शन सॉर्ट ही नाम दे देते हैं, आई एन एस ओ आर टी डॉट सी, है ना, इन सॉर्ट दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब अपना टर्बो सी ओपन कर लेते हैं, अब यहाँ पर उसको ओपन कर लेते हैं, है ना, बिन डायरेक्टरी में किस नाम से था, इन सॉर्ट डॉट सी, है ना। अब इसको कंपाइल करा लीजिए और एग्जीक्यूट करा लीजिए, कंट्रोल एफ नाइन किया तो देखिए ये आपका आउटपुट आ गया 5, 6, 28, 29, 42, 80 एंड 90, है ना। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना चाहें तो आप F7 की का यूज़ कर सकते हैं। मेन फंक्शन से देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, फिर एरे इनिशियलाइज हो गई, फिर क्लियर स्क्रीन आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर कर देगा, फिर जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। तो देखिए क्या जे यहाँ पर लेस देन 7 है, हाँ है, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई है। फिर टेम्प में हमने ए जे की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, यानी कि 6 को इनिशियलाइज कर लिया टेम्प के अंदर। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जे माइनस 1, यानी कि जे की वैल्यू इस समय 1 है तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर यहाँ पर लूप चला रहे हैं, उसमें कंडीशन चेक करा रहे हैं कि आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो क्या आई की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 0 तो है, है ना। और साथ ही साथ हम क्या चेक करा रहे हैं कि ए आई पर जो वैल्यू है वो टेम्प से बड़ी है क्या, हाँ है, क्योंकि 28 ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिफ्टिंग होनी चाहिए, यानी कि ए आई प्लस 1 में ए आई की वैल्यू कॉपी हो जानी चाहिए, तो क्या होगा 6 की जगह पर भी 28 आ जाएगा, और 6 को तो हम स्टोर करा ही रखे हैं, है ना, टेम्प नाम के वेरिएबल में। तो अगर इस केस में अगर आप प्रिंट करा लेते हैं सपोज, है ना, तो जहाँ पर 6 एलिमेंट है वहाँ पर भी 28 आएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर, और जीरोथ पोजीशन पर भी 28 ही आएगा, है ना। फिर आई माइनस माइनस कर लेते हैं तो आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं रहा, माइनस 1 हो गई, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ए आई प्लस 1 इज इक्वल टू टेम कर रहा है, यानी कि आई की वैल्यू माइनस 1 हो गई थी, और माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ए 0 हो जाएगा, ए 0 मतलब जहाँ पर 28 पहले था, है ना, वहाँ पर अब टेम की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, और टेम में क्या था 6, तो यानी कि अब एलिमेंट आप क्या जाएंगे 6, 28, और बाकी एलिमेंट को तो हमने टच ही नहीं किया, तो बाकी एलिमेंट एज इट इज बने रहेंगे। अगर इस केस में अगर आप इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं तो आपका एलिमेंट आएगा 6, 28, 29, 95, 42, 80, है ना। फिर आप जे में इंक्रीमेंट करा रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही जे में इंक्रीमेंट हुआ जे की वैल्यू हो गई 2, जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और टेम्प में अब इनिशियलाइज हो जाएगी वैल्यू 29, है ना, आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 कर लेंगे, तो यानी आई की वैल्यू हो जाएगी अब 1, है ना, और 1 पे क्या एलिमेंट हो चुका है अब 28, तो देखिए 29 क्या 28 से छोटा है, नहीं, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे, ए आई प्लस 1 यानी कि आई की वैल्यू कितनी थी 1, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ए 2 पर टेम्प स्टोर हो जाएगा जो ऑलरेडी था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपी पे कॉपी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। फिर जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी अब 3, है ना, जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 7 है, अब टेम्प में ए जे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि अब 90 स्टोर हो जाएगा, है ना, और आई इज इक्वल टू जे माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 भी है, और देखिए 90 जो है वो 29 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगी। फिर आगे लूप चलेगा, अब जे की वैल्यू 4 हो गई, है ना, तो 4 पर एलिमेंट कितना है 5, तो अब टेम्प में 5 स्टोर हो जाएगा। फिर आई इज इक्वल टू जे माइनस 1, है ना, कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगी, और देखिए 90 जो है वो 5 से बड़ा है, है ना, तो यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग होनी चाहिए, यानी कि 5 की पोजीशन पर अब आ जाएगा 90, है ना, और आई माइनस माइनस हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक कर रहा है, आई अभी भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और ए आई की जो वैल्यू है यानी कि 29, है ना, वो ग्रेटर देन टेम्प है, यानी कि 5 से बड़ी है, हाँ है, तो यानी कि फिर शिफ्टिंग होगी, यानी कि अब 29 90 की जगह पे आ जाएगा, है ना। फिर माइनस माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर आ गया था 28, है ना, तो 28 को 5 से कंपेयर कराया जाएगा, फिर यहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, फिर शिफ्टिंग हो जाएगी,
यानी कि अब 29 की जगह पे आ चुका होगा 28, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी, है ना। तो 6 इज ग्रेटर देन 5 है तो फिर यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा आपका 6। अब ये निगेटिव में इंडेक्स चला जाएगा तो ए आई प्लस 1 पे टेम्प हो जाएगा, यानी कि 5 अपना फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना, और अब एलिमेंट स्टोर हो जाएगा टेम्प में 42। फिर आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 4, है ना। फिर ये कंडीशन ट्रू मिलेगी क्योंकि 42 90 से छोटा है लेकिन बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो एक बार शिफ्टिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, माइनस माइनस हो गया, लेकिन अब शिफ्टिंग नहीं होगी, है ना। फिर 42 अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा, फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना, कंडीशन अभी भी ट्रू मिली। फिर यहाँ पर टेम्प में 80 स्टोर हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, फिर कंडीशन चेक करी जाएगी। तो देखिए 80 जो है वो 90 से तो छोटा है ना, तो यहाँ पर शिफ्टिंग एक बार होनी है, तो यहाँ पर यह शिफ्टिंग हो जाएगी, अब शिफ्टिंग नहीं होगी। फिर अब 80 अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा, अब यही कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी, यानी कि जे की वैल्यू भी 7 हो चुकी है, फिर ये वाला लूप चल जाएगा आपका 7 टाइम्स, है ना, फिर ये आपके एलिमेंट सारे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनता है, है ना। तो आपने समझा कि कैसे इसकी स्टेप्स फॉलो करी जाती हैं, है ना, और कैसे इसका कोड लिखा जाता है। आई थिंक आपको सारी स्टेप्स क्लियर हो गई होंगी, चाहे वो प्रोसेस की हो चाहे वो कोडिंग की हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, मानते कि हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।